आज बड़ौदा हलके में जेजेपी कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसको पार्टी के प्रधान महासचिव डॉक्टर केसी बांगड़ ने संबोधित किया। डॉक्टर केसी बांगड़ ने बूथ को जीतने की रणनीति बनाई। उन्होंने कहा कि पहले बूथ जीतेंगे, फिर गांव और गांव से पूरा हलका। आज भाजपा और कांग्रेस की सांस फूली हुई है, तो वो है जेजेपी की वजह से। डॉक्टर बांगड़ ने भूपेंद्र मलिक को सबसे दमदार बताया। इस मौके पर सुरेंद्र रुखी, अशोक मोर, जॉनी लठवाल, चेयरमैन राजवीर नरवाल, चेयरमैन सतबीर रबड़ा, कमलेश मलिक, जगदीश रुखी, सरपंच मुकेश शर्मा, रितेश शर्मा, पंडित राम प्रसाद, राजबीर धानक, जुगतीराम बैरागी, पूर्व सरपंच पाला, पूर्व सरपंच समुद्र मलिक, अशोक बैरागी, कप्तान कश्यप, विनोद निरंकारी, सुरेंद्र माहरा, समुद्र वाल्मीकि, मन्नू आंवली, राकेश दुहन, काला हुड्डा, ईश्वर कटवाल, रोशन धानक, भोला आवली, प्रकाश धानक आदि मौजूद रहे। जननायक जनता पार्टी के सभी नेता रन और मेरे सामने बैठे मेरे अतिथि, हमने ऐसा नेता दियो जो मजा आ रहा है। इन्होंने एक बात कही, जो मीटिंग बुलाई है साथियों की, आज इस बात को लेकर है कि चुनाव किस रणनीति से लड़ना है, उसके सुझाव के बारे में ये आज मीटिंग बुलाई है। जो साहब बताएंगे मुख्य, तो मैं दो चार सुझाव रखूंगा। एक तो सुझाव ये है, जितने साथी आज ये आए हैं, सभी भाई भूषण चौटाला जी और डॉक्टर केसी बांगर जी और भूपेंद्र मलिक उनके चुनाव लड़े, पहली तो बात ये है। देखिए बुजुर्ग भाइयों, ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। सम्मानित बुजुर्गों और भाइयों, कार्यकर्ताओं की मीटिंग चुनाव में रोज रोज नहीं हो पाती। 15 दिन का चुनाव का समय है, 15 दिन का। कल दशहरे का त्यौहार है। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से आप सभी को दशहरे की मुबारकबाद देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। कल दशहरे का 9 तारीख से पार्टी का अभियान शुरू किया है। डोर टू डोर जा करके गांव में चौपाल चौपाल का प्रोग्राम करेंगे और 9 तारीख से 5 दिनों पूरे हल्के में दौरा करेंगे। उसके बाद दोबारा से फिर सेकंड राउंड फिर शुरू होगा और 2 बार पूरे हल्के को चौपाल के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से हम हल्के को कवर करेंगे। और व्यक्तिगत तौर पर भी सुबह शाम हम बाहर निकल करके उसमें हम अपना प्रचार कर रहे हैं। हमारी भी विभिन्न टीमें, महिलाओं की और दूसरी जाति की टीमें भी हमारी सक्रिय हो गई हैं और वो भी घर घर जा कर के प्रचार करने का काम। अच्छा, अभी आपने जो कार्यकर्ता जेजेपी का, उनको एक जो बूथ सदर तक की जिम्मेवारी दी है, तो क्या उनके परिणाम मानते हैं बूथ सदर की जिम्मेवारी के बाद? देखो, कार्यकर्ताओं को मंत्र दिए जाते हैं, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जाते हैं और जीत सुनिश्चित कैसे हो इसके लिए कार्यकर्ताओं को अपने अपने स्तर के ऊपर हर पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देती है। हमने भी अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया। आप प्रधान महासचिव हैं, अगर राज्य की बात की जाए तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाने के बाद पार्टी से इस्तीफा दिया, तो हरियाणा की राजनीति में इसका क्या? तो कांग्रेस के तो जूतियों में खीर बढ़ रही है। इस ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो सबने देख लिया। जो आदमी पिछले 5 साल से कांग्रेस का सर्वे सर्वा था, आज बेचारा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और उसको इस मजबूरी तक जो है धक
खेल दिया गया तो उसको पार्टी से त्याग पत्र देना पड़ा। वो एक संघर्षशील व्यक्ति जरूर है, हमने देखा है 5 साल में वो कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाए ये तो अभी आने वाला समय बताएगा, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया है और हम हर संघर्षशील व्यक्ति की कदर करते हैं। हमारे साथ रोहता से जेजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र मलिक भी मौजूद हैं। मौजूद साहब, मलिक साहब, अच्छी खासी वर्कर मीटिंग हुई है आपके कार्यकर्ताओं की, तो क्या उम्मीदवार? देखिए, कार्यकर्ता किसी भी संगठन के रीढ़ के हड्डी होते हैं और जो जेजेपी पार्टी है जो कर्मठ कार्यकर्ताओं का एक समूह है, 10-11 महीने में कार्यकर्ताओं की बदौलत आज सरकार बनाने जा रहे हैं हरियाणा में अगली। सभी दल आज जेजेपी के संगठन से घबराए हुए हैं और जो डॉक्टर बांगड़ जी ने हमारे संगठन को टिप दिए हैं चुनाव लड़ने के, ये आज उसी के सिलसिले में मीटिंग बुलाई है और अगली सरकार आने वाली भाई दुष्यंत चौटाला जी की होगी और डॉक्टर बांगड़ उस सरकार के सुपर सीएम होंगे। अभी अपने डॉक्टर साहब की बात की है, मलिक साहब डॉक्टर साहब प्रदेश के नेता है, लेकिन वो बड़ौदे पर आपको विशेष आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ दे रहे हैं, तो क्या इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये हमारा गृह क्षेत्र है, डॉक्टर बांगड़ जो यहाँ असली चौधरी डॉक्टर बांगड़ लेके आए हैं, उससे पहले वाले तो हमारे साथ धोखा कर रहे थे, असली चौधरी तो डॉक्टर बांगड़ बड़ौदा हल्के में लेके आए हैं। गृह क्षेत्र है, यहाँ के लाल ही यहाँ की चौधरी ला सकते हैं, कोई बाहरी नहीं ला सकता है। कौन लोग थे जो बड़ौदा हल्के में? देख लिया आपने, जिन्होंने 10 साल मुहूर्त बनाया बड़ौदा हल्के को, पूरे सोनीपत जिले को अपना उल्लू सूझा किया और जो यहाँ की चौधरी थी उसको खत्म कर दिया और आज जो चौधरी की लड़ाई लड़ रहे हैं डॉक्टर बांगड़ लड़ रहे हैं। हरियाणा में अगली सरकार जेजेपी पार्टी की होगी और डॉक्टर बांगड़ उसके सुपर सीएम होंगे। ये आज डॉक्टर बांगड़ ने आज जो इतने बड़े कार्यकर्ताओं की टीम जो किसी दल के पास नहीं, आज दूसरे दल के पास, आज ये तय कर दिया कि आने वाली सरकार 100% जननायक जनता पार्टी की होगी। चौधरी देवीलाल की नीतियों को आज हरियाणा ने मान लिया है। भाई दुष्यंत चौटाला जी का जो एक नारा है, किसान कमेरे आगे बढ़ जीत ले अपना चंडीगढ़, इस नारे से प्रेरित होकर आज हरियाणा की जनता उनके पीछे खड़ी हुई है। जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, क्षेत्र का आपको पूरा ज्ञान है, एक ये चौधरी की बात जो भूपेंद्र मलिक बताए चौधरी के बारे में आप कहने की बात नहीं, महसूस करने की बात है कि यहाँ पार्लियामेंट का चुनाव लड़े तो भूपेंद्र हुड्डा, विधानसभा का चुनाव लड़े तो कृष्ण हुड्डा, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन तीन बार, तो ये निश्चित तौर के ऊपर इलाके के लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारे बड़ौदा हल्के में जो लगभग 2 लाख वोटर हैं, क्या उन वोटर में से उनको कोई भी व्यक्ति विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ने लायक दिखाई नहीं देता, इस बात को लोग महसूस कर रहे हैं और हम भी लोगों का हिस्सा है, हम भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। अच्छा, आप एक जगह है जो बीजेपी पार्टी है उसने यहाँ से जो सेलिब्रिटी है उसको चुनाव मैदान होता है, तो इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के वो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी राजनीति के जो दाव पेच हैं अभी उन्होंने सीखने हैं, वो कितना सीख पाएंगे समय के गर्भ में है ये बात। हम उनके कोई ये नहीं कहते कि वो ना सीखें, हर आदमी स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो पहलवान है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, दुकानदार है, कमेरा है, कर्मचारी है, हर आदमी स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने भी चुनाव लड़ने का मन बनाया, किसी पार्टी ने उनको टिकट दिया तो चुनावी मैदान में इस प्रजातंत्र में यही तो प्रजातंत्र की खूबी है कि हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब वो कितने दाव पेंच सीख पाते हैं ये भविष्य के क्रम में। अभी वर्कर मीटिंग में पूछा एक बात और भी चली थी, जो पहलवान है योगेश्वर पहलवान है उसके चुनाव प्रचार में बाहर के पहलवान आए हुए हैं, आप लोगों का दावा था कि हमारे साथ स्थानीय जनता लगी हुई है, तो इसका क्या? देखिए, जननायक जनता पार्टी की तो यह स्थानीय यूनिट है और हम अपनी यूनिट के माध्यम से गांव-गांव
में बूथ स्तर के ऊपर हमारे कार्यकर्ताओं की कमेटियां हैं, हम उन अपने बूथ कमेटियों के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। अब भाई योगेश्वर दत्त तो पहली बार राजनीति में आए हैं, ना उनके पास कमेटी है ना उनके पास टीम है, तो वो अपने यार दोस्तों का सहारा ही लेकर के चुनाव में उतरेंगे। उनके यार दोस्त कुछ बाहर के हैं कुछ अंदर के हैं, तो निश्चित रूप से आदमी उसी को साथ लेकर के चलेगा जो उसका जानकार है, जैसी कंपनी होगी उसी कंपनी को साथ लेकर चलेगा। हमारे पास तो लोकल कार्यकर्ताओं की बहुत स्तर की कमेटियां हैं, हम उनको साथ लेकर के चल रहे हैं। कौन किसको साथ लेकर के चलता है हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन प्रदेश की जनता और हल्के के लोग इस बात को जरूर इस बात को नोटिस करेंगे कि किस व्यक्ति के साथ कौन वोट मांगने आ रहा है। इस बात का आकलन लोग आज समझदार बहुत है, बहुत लंबा समय प्रजातंत्र को हो गया है, अच्छे अच्छे व्यक्ति इस हल्के ने चुन करके दिए। और आने वाले समय में मेरा अपना मानना है, मेरा विश्वास है और संगठन के बलबूते पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार भूपेंद्र मलिक भारी मतों से इस विधानसभा को जीतने का काम चौधरी के नाम पर बहकाने वालों को विरोध हल्का की जनता विरोध हल्का से बाहर करेगी, ये कहना है कि सी मांगड़ो भूपेंद्र मलिक का।